डायरीज मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं फूड डायरीज बाय सोनिया यूट्यूब चैनल। तो और माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं सब हैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है गोभी गोश्त। तो इसके लिए हमें जो अज़ा दरकार होंगे वो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हमें चाहिए होगा मटन 1/2 kg, गोभी चाहिए होगी हमें 1.5 kg, मैंने इसे धो के काट लिया है। प्याज चाहिए होगा 1 अदद दरमियाने साइज का बारीक कटा हुआ। अदरक चाहिए होगा बारीक कटा हुआ। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। मसाला जात में हमें चाहिए होगा नमक 1 tablespoon या हसबे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 tablespoon, सूखा धनिया 1 teaspoon, हल्दी 1/2 teaspoon, ज़ीरा 1 teaspoon, गरम मसाला 1 tablespoon। पकाने के लिए चाहिए होगा हमें ऑयल 1 cup, अजवाइन चाहिए होगी हमें 1/2 teaspoon। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर्वक्त मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, इसमें ऐड करेंगे ऑयल, ऐड करेंगे मटन, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखें फ्रेंड्स, हमने गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। मिक्स करेंगे। प्याज मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, जीरा, अजवाइन। मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पानी और गोश्त को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब इसे ढक के लो फ्लेम पे गोश्त के गल जाने तक पका लेंगे। गोश्त सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे गोभी, मिक्स करेंगे। अब
अब इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए। फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी गोभी पक के तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। मिक्स करेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की गोभी गोश्त की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मजे की बनती है और तकरीबन हर घर में खाई भी जाती है। आप इसे ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।